नया कश्मीर है जो महकेगा भी चहकेगा भी, क्योंकि इस समय कश्मीर की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व की नज़रें हैं और भारत सरकार ये सबको समझाने में सक्षम हुई है कि अभिन्न अंग जो है कश्मीर भारत का है। वहीं यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हर एक समुदाय से मिल रहे हैं, हर एक अंतर्राष्ट्रीय नेता से मिल रहे हैं और उनके आगे गुहार लगा रहे हैं, चाहे आर्थिक मंदी की बात हो कि कुछ पैसा हमें दे दीजिए। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर भी अपने ही तर्क उनकी जुबान पर आ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार जो है समय समय पर विदेश मंत्रालय की बात की जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, वो दिखाते हैं कि भारत के कूटनीतिक रिश्ते किस स्तर पर गए हैं कि तमाम मुस्लिम देश भी अब इमरान खान का समर्थन नहीं करते और वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इस तरह से नाकामी मिली है। हम आजाद भट्ट साहब इनसे जानेंगे कि हर एक समुदाय के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिटारों की बरसात सी हो जाएगी, इस तरह से उन्नति व प्रगति के रास्ते खुलेंगे कि हर एक समुदाय जो है सराहना करेगा। लेकिन कश्मीरी पंडित समाज जिसके साथ इस तरह से हुआ कि पूरे विश्व में ये देखा गया आखिरकार इस तरह से बर्बरता क्यों हुई, वो कश्मीर जहाँ से इनकी पहचान है और जहाँ से ये लोग ताल्लुक रखते हैं आज वो कश्मीर जो है वो इनका कश्मीर है, उसको किस लिहाज से देखते हैं। यूनियन टेरेटरी की तरफ ये रुख हो रहा है और यूनियन टेरेटरी की तरफ जब रुख होगा तो एक नया कश्मीर या फिर हम कहें जिस तरह से एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान, इस तरह से जो बातें की जा रही हैं किस तरह से देखता है ये पूरा समाज। सर क्या लगता है कि धारा 370 की जब समाप्ति हुई तो आप प्रेस वार्ता करते हैं और आपने बिल्कुल सराहना की, आपने स्वागत किया, लेकिन वो तो समाप्ति की बात है, उसके बाद यूनियन टेरेटरी किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर रास्ते खुलेंगे आपके? देखिए, सबसे पहले जो रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नए सिरे से इसका निर्माण हो रहा है, हम सब कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। और अब जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी, ओबियसली देश आगे बढ़ रहा है, रियासत जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, तो हम ये उम्मीद भी करेंगे कि हमारा कश्मीरी पंडित समाज समुदाय जो पिछले 30 साल से हर एक चीज़ में पीछे रहा, इसको अपने फंडामेंटल राइट्स अपने टाइम पर नहीं मिले, इसकी फ्यूचर जनरेशन को सेव होना, ये हम सब लोग चाहते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नए कश्मीर का निर्माण के साथ साथ कश्मीरी पंडितों का दोबारा से नए सिरे से निर्माण होगा, उस निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि हमारी फ्यूचर जनरेशन सेव रहे, जो हमारी आने वाली नस्ल है कल उसको दोबारा पलायन न करना पड़े, जैसे हम लोगों को रात के अंधेरे कश्मीर से भागना पड़ा, कश्मीर से निकाला गया। तो इसके साथ साथ हमारे घर हमें वापस मिले, कश्मीर की जमीन और जो हमारी लोगों हैं, जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जिसका इतिहास कश्मीर की ज़मीन के साथ 5,000 साल पुराना जुड़ा है, उसको उसकी कनेक्टिविटी दोबारा मिले और उसका रिटर्न पॉसिबल हो, यही हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो 31 अक्टूबर के दिन इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उस इम्प्लीमेंटेशन में कश्मीरी पंडित की बाइज्जत वापसी के साथ भारत सरकार ने एक अहम कदम ये भी लिया है कि तकरीबन कह रहे हैं कि 50,000 मंदिरों का निर्माण दोबारा किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित समाज समय समय पर ये मांग उठाता रहा कि जो हमारे वहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिए गए मंदिर हैं उनका निर्माण किया जाए, लेकिन अब ये कदम उठाया गया, कैसा लगा? देखिए, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, क्या हकीकत यही नहीं है, क्या इतिहास गवाह है कि कश्मीर की ज़मीन जो सरजमीन है वहाँ मुनि ऋषि तपस्या हुआ करते थे। अगर आप राजतरंगी को पढ़ेंगे, राजतरंगी में श्रीमान कलहन जी ने लिखा है कि पूरी कश्मीर की ज़मीन जो है वो ऋषियों मुनियों की है जो वहाँ तपस्या हुआ करते थे। कश्मीर में टोटल जो पूरी लैंड है वो सारी श्राइन्स के साथ भरी हुई थी, लेकिन समय आने कंज्यूम होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरकारों ने कुछ ही चंद मंदिर बचाए। और आज अगर भारत सरकार ये बात कर रहा है कि हमने उसको रेस्टोर करना है, कश्मीर के श्राइन्स और टेम्पल्स को, यह इतिहास कह रहा है। भारत सरकार भी जब अपनी किताबें खोलता है तो वहाँ इतिहास लिखा हुआ है, उस इतिहास में ये लिखा है कितने श्राइन्स और कितने टेम्पल्स थे जो डिस्ट्रॉय हुए, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, जिनका इंक्रोचमेंट हुआ, जिनकी ज़मीन लूटी गई। जब भारत सरकार ये स्टेटमेंट देता है कि हम श्राइन्स को वहाँ रेस्टोर करेंगे, तो सबसे आनंद कश्मीरी पंडित को इससे मिलता है, क्योंकि हम अपने घरों से ज़्यादा जो घर हमारे 92 बाबरी मस्जिद राम मंदिर के दौरान रात के अंधेरे में लाखों
हमारे घर जलाए गए, सबसे ज्यादा आनंद हमें अपने घरों से भी तब मिलता है जब हमारे श्राइनर्स की बात करें। श्राइनर्स को हम इसलिए फोर्स करते हैं, ये एक रिलीजियस सेंटिटी को मेंटेन केवल नहीं करता बल्कि इसके साथ कल्चर जुड़ा है, बल्कि इसके साथ कश्मीरियत जुड़ी है, जिस कश्मीरियत और कल्चर की बात हर कोई करता है। इवन कश्मीरी मुसलमान इस पर विश्वास करता है कि कश्मीरियत, इंसानियत और कल्चर बचना चाहिए, ये उसका एक हिस्सा है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर के सरदार और कश्मीर के पंडित इस स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वेलकम करेंगे और इमीडिएटली हम चाहेंगे इसको रेस्टोर करें। ये पहली सीढ़ी होगी कश्मीरी पंडित के वापसी के लिए। साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं उस समय भी उनकी जुबान पर कश्मीरी पंडित का जिक्र रहता है और कहते हैं कि अन्याय की राजनीति से अब न्याय की ओर ये देश आगे अग्रसर हो रहा है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा, धारा 370 की समाप्ति ऐतिहासिक कदम तो है लेकिन इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो पलटने की भी जरूरत है, उन पन्नों में देखने की जरूरत है आखिरकार इतिहास में इतनी बर्बरता क्यों हुई। राज जो है क्या कश्मीरी पंडित जो है दोबारा वापसी के लिए अगर वहां पर जा रहे हैं तो क्या उस तरह का सुरक्षित माहौल उसको वहां पर मिलेगा। वहीं अलगाववादी नेताओं ने अभी चुप्पी साधी हुई है लेकिन हाँ गिलानी का एक स्टेटमेंट आया था उस समय उन्होंने कहा था कि हम सेपरेट कॉलोनीज नहीं चाहते, हम चाहते कि वापसी हो। ये भी देखने वाली बात है कि अलगाववादी नेता जो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं आगे जाकर जो है क्या उस तरह का माहौल, क्या उस तरह सा भाईचारा व प्रेम जो है कश्मीरी पंडित समाज को मिलता है जिनकी उम्मीद जो है ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लूँगी।